पहली बात यह कि अगर तो हमारी जड़ बुनियाद ईमान है, इस पाकिस्तान का जो थीसिस है जिसकी बुनियाद पर यह कायम हो वो ईमान और कलमे की बुनियाद पर, तो वो ईमान तो कहते हैं कि ला तक़नतु मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो जाओ। वो ईमान तो कहते हैं कि ला इन्नहु ला ययसु मिन रौहिल्लाहि इल्लल कौमुल काफिरून, अल्लाह की रहमत से तो वही मायूस होते हैं जो काफिर होते हैं। ये सूरह यूसुफ की आयत नंबर 87 है। तो ये मैसेज हमें अपने आप को और इस अवाम को, इस कौम को, इस नौजवान को देना है। अगर तो हम अल्लाह को मानने वाले हैं, पहला सवाल है ना, अगर अल्लाह की ज़ात पर हमारा यकीन है तो अल्लाह का कलाम तो कहते हैं कि मायूसी नहीं करनी चाहिए। उलमा ने लिखा है शायद के ज़िल में कि अल्लाह की रहमत से मायूस होना कुफर है और अल्लाह की रहमत से उम्मीद रखना फ़र्ज़ है हमारे लिए। तो कितने दिगर गु हालात हों, कितने देखिए ना, अंधेरी रात के बाद सुबह की रोशनी कौन नमूदार करता है? अल्लाह सुभान व तआला ना। तो अगर तुम उसके मानने वाले हैं तो फिर हमारा सोचने का स्टाइल डिफरेंट हो जाएगा। तो ये ईमान की मेहनत का मामला, कुरान से जोड़ने का मामला, अल्लाह की जात पर तवक्कुल का मामला, इस मनहज पर हमें कोशिश कर, आज के पैगाम को मैं समझता हूँ कि इस मनहज पर हमें अपने आप को, अपनी कौम को, अपने नौजवानों को सोचने के लिए तैयार करना है, तो फिर अल्लाह रास्ते भी खोलेगा। कुरान कहता है सूरह तलाक में, मैं ये तवक्कल अलल्लाह फहुवा हस्बु, जो अल्लाह पर तवक्कुल कर ले अल्लाह ताला काफ़ी हो जाता है उसके लिए। अल्लाह के रसूल फरमाते अलैहि सलातु वसलाम, अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को हज़रत अमीर माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दरख्वास्त की कि कुछ वसीयत फरमाइए, तो अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने रसूल अलैहि सलाम की हदीस लिखी कि जो एक अल्लाह का हो रहे, अल्लाह पर तवक्कुल, अल्लाह से तवक्कुल, अल्लाह से उम्मीदें, अल्लाह माँ सिवा से बाकी से उसको बेगाना कर देगा, यानी उसको बेनियाज कर देगा और अल्लाह ताला उसके लिए काफ़ी हो जाएगा। और जो एक अल्लाह को छोड़कर गैरों से, मखलूक से तवक्कुआत रखे, उन पर तकिया करे, तो अल्लाह अपना जिम्मा हटाकर उनको मखलूक के हवाले करेगा, उधर बदर की ठोकरे खाएंगे। इसका हासिल है वो शेर कि वह एक सजदा जिसे तो गिरा समझता है, हजार सजदों से देता है आदमी को निजात। www.thisquran.com